Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 14, the interjection. So let's start the chapter. Chapter number 14, the interjection. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. Alas, I have ruined. Hello, how are you? Hurrah, we have won the match. The words alas, hello, hurrah express the sudden strong feelings of the heart. These words are called interjections. अभी जो आपने सेंटेंस पढ़े उसमें जो अलास है, हेलो, हुर्रा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. Thus we can say the words which express sudden strong feelings of happiness, praise, sorrow, surprise, etc. are called the interjections. मतलब वो वर्ड्स जो किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, दुख की फीलिंग हो, तारीफ की फीलिंग हो, परेशानी की फीलिंग हो, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन. नाउ इट्स टाइम टू आंसर. फाइंड आउट द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस. आपको इंटरजेक्शंस फाइंड आउट करने हैं और उन्हें सामने दिए हुए स्पेस में लिखने हैं. फर्स्ट है ब्रेवो, यू हैव डन वेल. तो यहां पर इंटरजेक्शन क्या है? ब्रेवो. आप ये भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है. नेक्स्ट फाय, यू आर अ थीफ. यहां पर क्या है इंटरजेक्शन? फाय. नेक्स्ट आह, ही हैज लॉस्ट हिज सन. यहां पर इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 14 फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको इंटरजेक्शन समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.